यहाँ पे पुलिस जाते हुए, ये मेरे पापा है, चचा है, अथर इमाम है। पटना के SSP का बयान, जिसमें उन्होंने RSS के कार्यों की तुलना PFI की ट्रेनिंग से की है, और मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। इसका जो बॉर्डर था कि ये लोग जैसे शाखा होती है RSS की, शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, पटना के अंदर से अभी दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। पटना के फुलवारी शरीफ से दो आतंकवादियों को गिरफ्तार करने की खबरें आपने देखी ही, लेकिन वहीं आपको बता दें कि इस मामले में एक ट्विस्ट आया है। इन दो आतंकवादियों में से एक का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन बताया गया, जो कि पटना के पूर्व दरोगा बोला जा रहा है। उसके बेटे का एक वीडियो निकलकर सामने आया, जिसने साफ तौर पर CCTV फुटेज शेयर किया है, जो वायरल हो रहा है। उस फुटेज में मोहम्मद जलालुद्दीन के बेटे ने यह दिखाने की कोशिश की है कि पुलिस कर्मी उसके पिता के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि उसके पास से PFI का कोई डॉक्यूमेंट बरामद हुआ है। CCTV फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जहां साफ तौर पर पीछे से मोहम्मद जलालुद्दीन के बेटे की आवाज भी आ रही है, जो बता रहा है कि इस वीडियो में बताइए, जितने भी पुलिसकर्मी उसके पिता को गिरफ्तार करने पहुंचे थे, उनमें से किसी के हाथ में भी कोई पैकेट, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। पहले एक नजर इस वीडियो पर डालिए, जो कि CCTV फुटेज वायरल हो रही है, जो कहा जा रहा है कि ये मोहम्मद जलालुद्दीन के बेटे की फुटेज है। एक नजर इस वीडियो पर। यहाँ पे पुलिस जाते हुए, ये मेरे पापा है, चचा है, अथर इमाम है, मनीष कुमार है, यहाँ पे वो लोग जाते हुए देख लीजिए, किसी भी पुलिस वाले के हाथ में कोई भी पैकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरह का कोई नहीं। सारे पुलिस वाले के हाथ खाली हैं, पूरे के पूरे जितने भी पुलिस अफसर हैं, जितने भी लोग हैं, उनके हाथ में कोई भी चीज नहीं है। किसी भी प्लास्टिक का थैला, किसी भी प्लास्टिक का बैग, किसी भी चीज में नहीं है कि कोई भी चीज, किसी भी हाथ में, यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट, किसी तरह का पेपर यहाँ से हासिल नहीं हुआ। देखा आपने, ये मोहम्मद जलालुद्दीन के बेटे ने इस फुटेज को पोस्ट किया है। और आपको बता दें कि उत्कर्ष सिंह ने भी इसको ट्वीट करते हुए बताया है। उन्होंने कहा है, उत्कर्ष सिंह का आप ये ट्वीट देख पा रहे होंगे, जहां साफ तौर पर उत्कर्ष सिंह बोलते हुए नजर आए अपने ट्वीट के द्वारा। उन्होंने बोला कि मोहम्मद जलालुद्दीन के बेटे का कहना है, यह आरोप है जो दो आतंकवादियों को गिरफ्तार पटना से किया गया है, उनके ऊपर पुलिस झूठे इल्जाम लगा रही है, गलत बोल रही है। आपने CCTV फुटेज भी देखा, आपको उत्कर्ष का यह ट्वीट भी दिखाया गया, जहां साफ तौर पर यह CCTV फुटेज ट्वीट द्वारा शेयर किया गया है। वहीं दोस्तों, आप ये ट्विस्ट तो देख ही रहे होंगे, इसकी छानबीन पटना पुलिस जरूर करेगी। लेकिन साथ साथ हम आपको बता दें कि पटना के इस मामले में, जहां दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, इसमें SSP का एक विवादित बयान आपने सुना होगा। पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो का बयान, एक विवादित बयान, जिसने देश में हाहाकार मचा कर रख दी है। वो बयान साफ तौर पर ये था दोस्तों, जहां कहा गया कि RSS की तुलना PFI से की गई थी। हालांकि SSP ने सिर्फ एक उदाहरण दिया था। SSP का ये बोलना एकमात्र उद्देश्य यही था कि जिस तरीके से RSS में ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरीके से PFI और ये जो आतंकी संगठन मिला है, ये भी इसी तरीके की मदरसे और जो मस्जिदों में जो लोग होते थे, उनको ट्रेनिंग दिया करते थे, ऐसा SSP द्वारा कहा गया था। एक नजर उनकी इस वीडियो पर डालिए, जहां आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि SSP ने क्या कुछ बोला था। और अभी तक जो अनुसंधान, अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है, जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे, और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है RSS, अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। ये SSP का जो बयान निकलकर सामने आया था, उसके बाद पटना में ऐसी आग लग गई दोस्तों, हम आपको वो दिखाएंगे। तमाम RSS के समर्थक, तमाम BJP के नेता मंत्री किस तरीके से बौखला उठे, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पटना के SSP के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। ADG का ये साफ तौर पर कहना है कि जवाबदेही मांगी जाएगी, जहां पर SSP को एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है।
शो कॉज नोटिस वहां के एसएसपी को जारी कर दिया गया है। साथ साथ आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहेंगे कि इस विवादित बयान के बाद पटना का क्या हाल है, लोग किस तरीके से एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो की तस्वीरों को जला रहे हैं, फोटो को जला रहे हैं, किस तरीके से विरोध कर रहे हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता। एक नजर इस वीडियो पर। देखा आपने, ये साफ तौर पर आप देख पाए होंगे कि पटना का इस वक्त माहौल कैसा है। एक बयान एसएसपी का आरएसएस के ऊपर इतना भारी पड़ जाता है कि पटना का माहौल खराब हो जाता है। वहीं आपको एक बीजेपी के मंत्री का बयान सुनाना चाहेंगे, जहां साफ तौर पर आप देख पाएंगे किस तरीके की धमकी बीजेपी मंत्री एसएसपी को देते हुए नजर आए। बीजेपी मंत्री रविशंकर प्रसाद, उनका साफ तौर पर कहना है, धमकी देना है एसएसपी को कि वो जहां काम करते हैं वो उनके लोकसभा क्षेत्र में आता है। वो इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई ऐसा बयान दे कि जो आरएसएस, जो एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा मंत्री द्वारा बोला गया है, जो देश के लिए जिसका इतना बड़ा योगदान रहा है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए इतना बड़ा योगदान रहा है, उसके लिए ऐसा बयान स्वीकार नहीं होगा। इस तरीके की बातें रविशंकर प्रसाद करते हुए नजर आए। उनकी इस वीडियो पर नजर डालिए और देखिए किस तरीके से रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ एसएसपी के लिए बोला है और सरासर धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नजर इस वीडियो पर। पटना के एसएसपी का बयान जिसमें उन्होंने आरएसएस के कार्यों की तुलना पीएफआई की ट्रेनिंग से की है, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदारना भर्सना योग्य है और मैं इसकी बहुत भर्सना करता हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के एसएसपी हैं। आरएसएस एक प्रामाणिक राष्ट्रवादी संगठन है। देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए आतंकवाद की लड़ाई में संघ के कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन भूल दिया है। ऐसे संगठन के कार्य की तुलना एक नॉन आतंकवादी संगठन पीएफआई से करना, जो देश को तोड़ने में लगा है, क्या मतलब है इसका? मैं इसकी बहुत भर्सना करता हूं। देखा आपने, आप साफ तौर पर बीजेपी मंत्री का और जिस तरीके से पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरएसएस की तुलना को लेकर किस तरीके से विवाद खड़ा हो गया है और यह पूरा मामला पटना के अंदर देखा जा सकता है किस तरीके से तूल पकड़ रहा है। पटना के हालात इस वक्त दो आतंकवादियों को गिरफ्तारी के बाद किस तरीके से बहुत ज्यादा खराब होते नजर आए, लेकिन उसके बाद वो हालात और बदतर हो गए जब पटना के एसएसपी ने वहां आरएसएस की तुलना पीएफआई और एसडीपीआई से कर दी। वहीं दोस्तों, एक सवाल खड़ा होता है जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, जहां साफ तौर पर यह सोचा जाता है कि आखिरकार आरएसएस एक संगठन है, उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए तो क्यों एक एसएसपी जो एक पद पर बैठा है, जो रात दिन पूरा कानून को पढ़कर बैठा होता है, उससे जवाबदेही मांग ली, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, किस तरीके से पटना के माहौल को खराब किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री का पटना में जाना, दो आतंकवादियों का गिरफ्तार होना और पूरे पटना का माहौल खराब हो जाना, इसके बाद एसएसपी का विवादित बयान के बाद जो पूरा मामला पटना में देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दिक्कत। धन्यवाद।